फ्रेंड्स, तो आज हम आपको लेके आ गए हैं पुलिस लाइन विदिशा, जहाँ पर परेड की तैयारियाँ बहुत ज़ोरों से चल रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होने वाला है और विदिशा का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है हर बार। तो चलिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं अभी अभी सो के उठा हूँ, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ है काव्या, जो सुबह सुबह आके हमें जगाती और परेशान करती है। ये देख सकते हैं, अभी बहुत परेशान करती है। क्या बेटा, कितने बजे उठी थी आप? 5 बजे। 5 बजे? और जो सुबह से मुझे भी उठा देती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो चलिए, नाश्ता के बाद मिलते हैं। अभी अभी तो हम उठे हैं, फिर आज ब्लॉग बनाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ डेली ब्लॉगिंग की जाए आजकल, तो हम कोशिश करेंगे डेली ब्लॉगिंग करने की। तो चलिए मिलते हैं नहा के, बाय। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम एक दिन पहले पहुंच चुके हैं कहाँ पे, पुलिस ग्राउंड विदिशा, क्योंकि कल है मेरी जॉब और वहाँ पे भी है झंडा बंधन, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही आपको दिखा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये आप देख ही सकते हैं, इस तरह का एक ग्राउंड, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और आप देख सकते हैं, ये देखिए, बहुत बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पर उप कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और सभी लोग क्या है जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले, कल सुबह से कार्यक्रम है। तो फ्रेंड्स, कल मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, सॉरी, इसलिए आज ही आप देख लें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ ग्राउंड इस तरह से सजाया गया है, ये चेयर हैं, ये टेंट वगैरह लगाया गया है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और बहुत अच्छे लेवल पे परेड होती है। यहाँ पे देखिए, सामने भी बहुत सारी कुर्सी, क्या है, ग्राउंड ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा शायद। और ये तैयारियाँ जो चल रही हैं, क्योंकि ये वीडियो शूट हो रही है जब आप दूसरे दिन देख रहे हैं, ये वीडियो शूट शाम को हो रही है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, थोड़ा सा रोशनी थोड़ी कम है। तो ये देखिए, पुलिस लाइन जिला विदिशा, तो यहाँ पर कलेक्टर साहब और कोई जो मंत्री आएंगे, जो भी कोई ध्वजारोहण करेंगे, वो सब खड़े होंगे। ये देख सकते हैं, ये सामने जो आप देख रहे हैं, सभी अधिकारी हैं, सभी कलेक्ट्रेट के अधिकारी हैं और संयुक्त कलेक्टर साहब भी हैं यहाँ पे। तो जायज़ा लिया जा रहा है कल की तैयारियों का, कि सब एकदम करेक्ट होना चाहिए। ये देखिए, मैडम रंगोली बना रही हैं, काफ़ी अच्छी रंगोली अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, बहुत ही अच्छा, और नगर पालिका विदिशा, तो इस तरह से बैनर लगे हुए हैं। तो वीडियो को इंजॉय करें फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं पास से दिखाता हूँ, ये देखिए, काफ़ी सुंदर और अच्छी, रियल में आप देखेंगे तो बहुत सुंदर लग रही है वैसे रंगोली। तो इसी तरह हमारे ब्लॉग देखते रहिए और खुश रहिए। और फ्रेंड, चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। ये देखिए, अभिभावक संघ, तो यहाँ पर सभी लोग, वकील वगैरह सभी लोग यहाँ पर बैठते हैं, तो ये उनका कार्यालय है और सब में लाइटिंग की गई है 26 जनवरी की खुशी में। तो आज हम क्यों ना थोड़ा सा मोटोलॉग टाइप का किया जाए, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मज़ा आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जैन मंदिर है, जो कि जैन स्कूल, जैन कॉलेज के बगल में है, ये आप देख सकते हैं, SSL जैन स्कूल विदिशा, तो बहुत पुराना स्कूल और काफ़ी अच्छा स्कूल है, पंजाब नेशनल बैंक। और ये हमारा सबसे पुराना और फेमस जैन कॉलेज। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कभी कभार घूमने जाते हैं, वो जगह भी है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो पे। तो जब भी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं घूमने और टहलने के लिए और थोड़ी सी दोस्तों के साथ बातचीत और घूमना भी हो जाता है, तो मैं हमेशा जाता हूँ ज़्यादातर, तो जब भी फ्री रहता हूँ। तो ये आप देख ही सकते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं, कितनी बाइक खड़ी हुई हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं वो है विदिशा का माधव उद्यान, काफ़ी अच्छा पार्क है। देखिए, बिना मास्क के प्रवेश ना करें, इसलिए हमेशा मास्क ज़रूर साथ रखें। तो ये कुछ इस तरह से गेट है इसका, और आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से, देखिए 2021 का भी लिखा है वेलकम 2021, और ये लिखा है माधव उद्यान, ध्यान से आप देखेंगे तो माधव उद्यान नगर पालिका। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से कटिंग करी है,
सो फ्रेंड्स अब घर जा रहे हैं तो थोड़ा सा और आपको नज़ारा दिखा देते हैं। ये है विदिशा की नगर पालिका कार्यालय, काफ़ी बड़ा। ये पहले हुआ करता था, यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल हुआ था, पर जो बन गया अभी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा बना है, और मैं कभी आपको दिखाऊंगा किसी वीडियो में। तो ये वाला हटा करके इसको नगर पालिका ऑफिस कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप विदिशा या आसपास से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हम इसी तरह के नए नए ब्लॉग लाते रहते हैं। और सिग्नल है तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और ये साइड में जो आप देख रहे हैं, ये दीवार पे काफ़ी अच्छी पेंटिंग कर रखी है, ये देखिए। अभी दिन होता तो और अच्छा दिखता। तो अब अपन पहुँच चुके हैं नीमताल, जिसे गांधी चौक भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी गांधी जी की मूर्ति, काफ़ी अच्छी मूर्ति लगी हुई थी यहाँ पे, लगी हुई है। तो फ्रेंड्स फिर ऐसी किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।